भाइयों बहनों, मैंने पिछले 4 जुलाई से उत्तराखंड सरकार में मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है और 4 महीने में हमने 400 से भी ज़्यादा, आदरणीय बिसंदा हमारे यहाँ मंच पर हैं, ये भी उस कैबिनेट में हम लोग सब साथ में रहते हैं, सब साथ में बैठते हैं, 400 से भी ज़्यादा फैसले हमने लिए हैं अभी तक। और आप सब लोग देख रहे होंगे लगातार केवल फैसले नहीं ले रहे हैं, केवल घोषणाएं नहीं कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं उनके सबके शासनादेश निकाल रहे हैं और जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको धरातल पर उतारने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो भी घोषणाएं हैं वो धरातल पर उतरे। पहले दिन से अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ भी और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जितनी जगह मैं पिथौरागढ़ में, पिछले 3 दिनों से मैं पिथौरागढ़ में हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इस भूमि में मैं भी पैदा हुआ हूँ, मैंने जन्म नहीं लिया है। तो जगह जगह मुझे अपने जनपद में आकर, वैसे तो मैं पिथौरागढ़ में अब से लेकर 4 महीने के कालखंड में कई दफ़ा आ गया, आपके धारचूला क्षेत्र में भी 2 बार आ गया, अभी 3री बार, 2 बार आ गया, पिथौरागढ़ भी आ गया, लेकिन इस बार मैं जब आया तो औपचारिक रूप से जहाँ पर भी मैं गया सब जगह पर मुझे हमारे अतिथि शिक्षक मिले और सभी अतिथि शिक्षकों ने बड़े दिल खोल के उन्होंने धन्यवाद किया कि हमारा आपने वेतनमान बढ़ा दिया, उनका 15,000 से 25,000 रुपये कर दिया। इसी प्रकार से मैं देखता हूँ कि जहाँ भी हमारी बाल विकास विभाग से जुड़ी हुई आंगनबाड़ी की बहनें मिलती हैं तो आंगनबाड़ी की बहनें भी सब जगह पर, सभी जगह आ रही हैं कि आपने हमारा मानदेय बढ़ा दिया है। उनका मानदेय भी हमने बढ़ा दिया 1,500 से 1,800 के बीच में अलग अलग कैटेगरी में। इसी प्रकार से एक और बड़ा अच्छा लगता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे एक जो है मफलर दिया, वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की बहनों ने, तो वो स्वयं सहायता समूह की बहनें क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, सब जगह पर अपना तो रोजगार करती हैं, अपने रोजगार के साथ साथ और भी कई लोगों को रोजगार से जुड़ने का काम करती हैं और लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। हमने कहा इन बहनों की हर संभव सहायता होनी चाहिए, हर संभव इनकी मदद होनी चाहिए, हम जो भी कर पाए सरकार के पास भी, क्योंकि अभी हरीश भाई बहुत सारी चीज़ें गिना रहे थे, मैं भी चाहता हूँ कि कनाड़ तक रोड जाए, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं और वन विभाग से भी NOC हमने प्राप्त कर ली है और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि कनाड़ की रोड का भी जो है काम शुरू हो। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के पास बहुत बहुत सीमित संसाधन है और सीमित संसाधन इसलिए भी हो गए हैं कि पिछले 1.5 सालों से पूरी दुनिया के अंदर ये कोरोना महामारी आ गई और कोरोना महामारी में हमारे जो राजस्व की प्राप्ति है, जो पैसा सरकार को मिलता है विभिन्न प्रकार के टैक्सों से, विभिन्न प्रकार के उपक्रमों से, विभिन्न विभागों से, वो सारा का सारा कम हो गया, इसका सारा रोटेशन गड़बड़ा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि ऐसी बहनें जो हमारी स्वयं सहायता समूह में काम करती हैं, अपने साथ साथ औरों को भी रोजगार देने का काम करती हैं, उनको किसी प्रकार की इस परेशानी में उनके हाथ पैर लड़खड़ाने नहीं चाहिए, वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहनी चाहिए। उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया जिसमें उनका आगे का पीछे का हमने जो ब्याज था, ऋण था, उसको उस शुल्क को माफ़ कर दिया। उसके साथ साथ उनके लिए 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो बिना किसी ब्याज के देने की हमने व्यवस्था करी, क्योंकि वो अपना रोजगार कर पाए। कोई बुनाई का काम करती हैं, कोई सिलाई का काम करती हैं, कोई जो है भेड़ पालन का काम करती हैं, कहीं पर बकरी पालन का काम करती हैं, कहीं प्रसाद बनाने का काम करती हैं, कहीं मसाला बनाने का काम करती हैं, कहीं दाल इत्यादि बनाने का काम करती हैं। अभी मैं देख रहा था कि कुछ बहनें हमारी वहाँ पर सेकुआ और गंगरहनी बेचने का भी काम कर रही हैं, तो वो सारे के सारे समूह के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमने जो हमारे ये यात्रा का सीजन नहीं चल पाया,
यात्रा के सीजन में बहुत सारे हमारे पर्यटक आते हैं, धारचूला भी आते हैं, मुनस्यारी भी आते हैं, जोजी भी आते हैं, पिथौरागढ़ आते हैं, हमारे थल मुआनी क्षेत्र में आते हैं, कौसानी आते हैं, बेरीनाग आते हैं या नैनीताल आते हैं या चार धाम यात्रा के रूप पर, तो बहुत बड़ी संख्या में पर्यटकों का अंबार लगा रहता है। कुछ हमारे तीर्थाटन के लिए आते हैं, कुछ हमारे पर्यटन के लिए आते हैं, कुछ श्रद्धालु आते हैं, कुछ पूजा करने के लिए आते हैं। तो इस बार और पिछले साल दो साल ये कोरोना महामारी में वो पर्यटकों की संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई। और पिछले चार महीने पहले जब मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया तो उस समय तक हमारी चार धाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी थी कि यात्रा नहीं होगी क्योंकि कोरोना महामारी है। मैं जुलाई से, जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया, उस दिन से लगातार मैं ये प्रयास करता रहा, हमारी पूरी सरकार प्रयास करती रही कि ये यात्रा चालू हो जाए। और बहुत प्रयास किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहाँ भी कोरोना महामारी का, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी है कि कहीं से उसमें हमको रिलीफ नहीं मिल रही थी, हमको कहीं से छूट नहीं मिल रही थी। फिर हम दोबारा से हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद हमने कहा कि अब कोरोना महामारी कुछ कम हो गई है इसलिए आप यात्रा चलाने की हमको परमिशन दे दीजिए। यात्रा हमको कुछ शर्तों के साथ चलाने की परमिशन मिली। फिर हमने दोबारा निवेदन किया तो यात्रा पूरी खुली, लेकिन यात्रा चूंकि अब बंद होने के कगार पर है। 20 नवंबर को हमारे बद्रीनाथ जी के द्वार बंद हो जाएंगे, 26 तारीख को, अभी 6 तारीख को पिछले केदारनाथ के कपाट बंद हो गए, इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी यात्रा पूरी तरह से अब समाप्त होने वाली है। और ये यात्रा नहीं चलने के कारण से, पर्यटक नहीं आने के कारण से हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार थे, टैक्सी वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, उनको भी जो है अपनी जीविका चलाना मुश्किल हो गया। क्योंकि अगर ये 6 महीने यात्रा चलती है, 5 महीने यात्रा चलती है तो उससे पूरे साल भर का काम चलता है। तो हमने कहा कि ऐसे भाइयों के साथ भी, ऐसी बहनों के साथ भी हमारी सरकार सहयोगी के रूप में, उनके साझेदार के रूप में काम करेगी। और हमने 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र के लोगों के लिए जो है किया। और मुझे खुशी है कि मैं जहाँ भी गया, मैं एक बार टेहरी गया, टेहरी जनपद में गया तो वहाँ के लोग आए और बोले कि हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने जो हमारा परिवहन क्षेत्र के लिए, पर्यटन क्षेत्र के लिए जो पैकेज घोषित किया था उसका पैसा सीधे DBT के माध्यम से हमारे खातों में आना शुरू हो गया। इसी प्रकार से हेल्थ के क्षेत्र में काम करने वाले जो हमारी ANM है, JNM है, हमारी हेल्थ के जो टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर हैं, जो भी इस श्रेणी में आते हैं, उनके लिए भी हमने 205 करोड़ रुपए का पैकेज दिया कि अगले 6 महीने तक उनके खातों में पैसा आता रहेगा। अभी हमने आंगनबाड़ी बहनों का किया, आशा बहनों का किया, अभी उपनल कर्मचारियों का किया, हमारे ग्राम प्रधानों का किया। अभी हमने 207 जाँचें उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है कि जितने भी हमारे CSC हैं, PSC हैं, उनमें ये सब जांचें मुफ्त में होंगी। तो ऐसे बहुत सारे काम अभी हम नई खेल नीति लाने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कि उन बच्चों को आगे आकर खेलने जाने के लिए, किसी गरीब बच्चे के अंदर अगर प्रतिभा है, उसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, तो केवल और केवल माँ बाप की आर्थिक तंगी के कारण से वो बच्चा इनसे वंचित न रहे। इसी प्रकार से रोजगार के क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 17,000 से भी ज़्यादा नौकरियां लोगों को देने का काम हुआ है। 17,000 से भी, अभी हमने कहा है 24,000 जो नौकरियां हैं जो बची हुई हैं, उन 24,000 नौकरियों में हम भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा पर अभी उसके विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लगातार रोज विज्ञापन निकल रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे नौजवान भाई, युवा भाई जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन आवेदनों के लिए उनको अपने जेब में हाथ न डालना पड़े और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो किसी के मुंह न देखना पड़े कि कोई पैसा देगा, माँ बाप पैसा लाएंगे या कहीं इधर उधर से मैं पैसा लूंगा, उसके बाद मैं फार्म भरूंगा। हमने कहा कि इस साल, इस पूरे सत्र में, यानी कि 2022 तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जितने भी सरकारी फार्म भरे जाएंगे, सारे के सारे हमने उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाएं निःशुल्क कर दी। एक साल हमने आयु सीमा बढ़ा दी है। इसी प्रकार से बहुत सारी नौकरियों में
जो जाने वाले हमारे बच्चे हैं वो फौज में जाते हैं, एनडीए में जाते हैं, सीडीएस में जाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती में जाते हैं, या समूह गौ की प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद पीसीएस की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में, इसमें जाने वाले बच्चों को चूंकि वो प्री एग्जाम निकाल लेते हैं और मेन एग्जाम के लिए उनके परिवार के पास, उनके माता पिता के पास पैसा नहीं होता है, तो उनको अपने माता पिता की आर्थिक तंगी के कारण से आगे की परीक्षा में कोई व्यवधान न हो, वो अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उनमें किसी प्रकार की रुकावट न हो, उसके लिए हमने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे बच्चों की मदद के लिए हम 50,000 रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करेंगे। अभी 50,000 रुपए का हमने इसमें प्रावधान कर दिया है। अभी हमने, जैसा अभी सभी लोगों ने कहा, क्योंकि इस क्षेत्र में आपदा आई है, आपदा के जो पहले के जो हमारे नियम हैं उन नियमों के अंतर्गत राशि कम है, ऐसा मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसको जो है बढ़ाने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो डिजास्टर आया था, हमने कहा कि उसमें हर चीज़ में हमने बढ़ोतरी करी, जैसे हमारा 3800 रुपया मिलता था मकान में जो पानी आ जाता था, या कोई सामान खराब हो जाता था, या कोई उसमें नुकसान हो जाता था, उसको हमने 5,000 किया। इसी प्रकार से जो 1,09,000 मिलता था, 1,09,000 को बढ़ाकर हमने 1,50,000 किया है, और इस सभी में, सभी मानकों में थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। और वो पैसा चूंकि भारत सरकार के नियम पहले से बने हुए हैं, वो पूरे देश के लिए बने हुए हैं, उनमें हम चूंकि अपने यहाँ से जो जोड़ सकते थे हमने जोड़ने का प्रयास किया है। और जो आपदा यहाँ पर आती है हर साल, बहुत नुकसान इससे होता है। इस बार की आपदा में, जो अभी आपदा आई है, उसमें भी सैकड़ों लोगों की जान गई है, तमाम हमारा जान माल का, हमारे जानवरों का, खेती का, किसानों का, भूमि का, सड़कों का, पुलों का, बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। और इस बार की जो 18-19 तारीख की जो आपदा आई थी अक्टूबर के महीने में, ये आपदा ने बरसात के ही रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बल्कि इस आपदा ने सारे नुकसान के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे नुकसान के रिकॉर्ड टूटे हैं। लेकिन करिए, मैं 5,00,000 रुपये अनुदान की घोषणा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।